они вроде своими родных пасты. इसमें चाहे गणतंत्र दिवस हो, स्वतंत्रता दिवस हो, एक ये ओकेजन होता है कि हम लोग अपने देश के प्रति जो कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं उनको हम लोग अपने स्तर से सम्मान दें। और उसी कड़ी में विभिन्न यहाँ पर जितने भी आयोजन हुए उसमें कभी हमारे सफाई कर्मी, कभी हमारे सुरक्षा कर्मी, कभी ANM, कभी कुछ शिक्षक, उनको बुलाकर एक उनके हाथों से झंडारोहण करके हम लोगों ने अपने आप को गौरवान्वित किया। उसी कड़ी में आज ANM श्रीमती रानी कुंवर जी जो पांडेपुर में तैनात है उनके द्वारा विगत एक वर्ष में करीब करीब 50,000 से ज़्यादा कोविड के जो वैक्सीन है वो लगाई गई। और न सिर्फ कोविड की वैक्सीन लगाई गई बल्कि इनकी जो प्लानिंग है, जैसे अभी इनसे मैं चर्चा कर रहा था तो इन्होंने बताया कि मार्च के पश्चात 12 साल से ऊपर के बच्चों का भी कोविड का टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। तो इन्होंने अभी से ही अपने क्षेत्र में घूम घूम कर उन बच्चों की सूची बना ली है जिससे कि जैसे ही मार्च के पश्चात वो कोविड का वैक्सीनेशन उन आयु वर्ग के लिए शुरू हो तो बिना विलम्ब से ही तत्काल काम को शुरू कर सकें। तो ये दिखाता है कि अपने ये कार्य के प्रति कितनी लगनशील है और कितनी संवेदनशील है। और इसलिए हम लोग का सबका दायित्व बनता है, देश का दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को हम लोग सम्मानित करें और इनको सम्मानित करके हम लोग खुद को अपने आप को सम्मानित होना महसूस कर रहे हैं। और उनका हम लोग हृदय से शुभकामनाएं देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारा आमंत्रण को स्वीकार किया और आज आकर यहाँ पर हम लोग की इस पूरे समारोह की गरिमा बढ़ाई। सर, मुझे यहाँ के लिए इनवाइट किया गया, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ रही हूँ कि सर ने मुझे विशेषकर मुझे सम्मान देने के लिए आमंत्रित किया। इसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं उन लोगों के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो लोग एकदम नहीं लगवाए, मैं उनके लिए ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठ करके वहाँ बना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि टीके में कोई दिक्कत है, आप इसको जरूर लगवाइए। किसी भी बीमारी में आप इस टीके को लगवा सकते हैं, ये टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है। और जो लोग बूस्टर डोज अभी नहीं लगवाए हैं, जिसका डेट हो गया है, जिनका 9 महीने सेकेंड डोज लगने के बाद कम्प्लीट हो गया है, आप लोग भी जाइए। हर स्वास्थ्य केंद्र पर लग रहा है, जगह जगह कैंप लगा के लगाया जा रहा है, आप लोग जाइए और लगवाइए। और अभी ओमिक्रॉन का खतरा टला नहीं है, बहुत जोरों शोर से है, हो सकता है कि फरवरी और मार्च में पीक पे रहे, तो आप लोग पहले से सुरक्षित हो जाइए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।